क्वेश्चन है, पीटी जो है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जो कि बी ए अगर आगे बढ़ाया जाता है तो वो पीटी से आकर मिलता है, बी पी सी हमें 34 डिग्री दिया गया है, ए सी पी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो पी के यहाँ पर जो टी पॉइंट है ना, इसके जगह पर हमें दिया गया क्या, सी पॉइंट को दर्शाया गया है, ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम यहाँ से टी का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही बोला गया। ये एक सर्किल है, ठीक है, बड़ा बन गया, छोटा बना लेते हैं। ये एक सर्किल है, इसमें बोला गया है कि ए बी क्या है, एक डायमीटर है, तो डायमीटर यहाँ से खींच लेते हैं जी, डायमीटर एक मान लेते हैं, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ये आपका क्या है, एक डायमीटर है। ओके, अब इसका नाम हम दे देते हैं, ये कितना है आपका, ए है और ये बी है, और पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, अगर ये पी पॉइंट है तो इस पर स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, चूंकि टी को इसने बोल के रखा है सी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी ही बोलेंगे, जो है बोलेगा वही तो करना पड़ेगा, सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल पी हमें दिया गया है कितना, 34 डिग्री, हमें निकालना क्या है, सी एंगल निकालना है, ए सी पी निकालना है, उसके लिए हमें यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर ये पॉइंट है तो जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यही एंगल हमें आप निकालने के लिए बोला गया है। अब ये सेंटर है इस वृत्त का, ये सेंटर ओ है। अब मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, आप सभी जानते हैं कि अगर सेंटर से हम स्पर्श रेखा पर लाइन को ड्रॉ करें तो जो यहाँ से एंगल फॉर्म होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल, ये स्पर्श रेखा और ये क्या है, एक रेडियस है, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कोण कितना का होता है, 90 का होता है, यानी कि ये कितना है आपका, 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 है, ये 34 है, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना का हो जाएगा, 124 डिग्री का नहीं हो जाएगा, उस तरीके नहीं, 124 नहीं होगा, 124 माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये कितना का हो जाएगा आपका, 56 डिग्री का हो जाएगा, 56 डिग्री का हो जाएगा ना। अब आप ये देखिए कि जो सी और वो है एक रेडियस है, ए और वो क्या है, एक रेडियस है, आप हमें ये बताओ कि ये एक रेडियस है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, जब दो एक ट्रायंगल का किसी दो भुजा आपस में इक्वल है तो वो क्या, कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका दो एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए ना, दो एंगल भी उसका आपस में इक्वल होना चाहिए, अगर ये किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल है तो उसका एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। अगर ये 56 डिग्री है मेरे दोस्त, अगर ये 56 डिग्री है तो हम 180 में से 56 माइनस करेंगे तो पूरा कितने का हो जाएगा, पूरा कितने का हो जाएगा, 124 डिग्री का, 124 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, यानी कि ये कितना है, 62 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 62 डिग्री, और हमारा खेला हो ही गया। ये पूरा एंगल कितना का है, 90 का है, और ये एंगल ये जो रेड कलर से मैं यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ ये 62 का है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये एंगल कितने का होगा, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ये एंगल कितने का होगा, 90 में से 62 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।